अगर आप सोचते हैं कि अपार्टमेंट में रहना सुरक्षित है, ताला लगाकर कहीं भी घूमने जाना, शादी विवाह या अन्य कोई काम में जाते वक्त घर की सुरक्षा को लेकर बेखौफ रहना, ये सोचना कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं इसलिए कुछ नहीं होने वाला है, तो यह सोच आपके लिए महंगी पड़ सकती है। भूल कर भी रात में तो क्या, अब दिन में भी अगर घर में ताला लगाकर कहीं गए तो चोर आपके घर से आपके जेवर, रुपए, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कई कीमती सामान साफ कर सकते हैं। इस तरह की घटना अब अपार्टमेंट में बेखौफ होने लगी है। इसी तरह की एक और घटना दानापुर थाना अंतर्गत बीती शनिवार की रात को विजय सिंह यादव पथ में साई इनक्लेव अपार्टमेंट के ब्लॉक सी में एक साथ बंद चार फ्लैट 701, 702, 706 और 205 में बेखौफ चोरों ने आराम से ताला तोड़कर करीब 15 लाख की चोरी कर ली। प्राइवेट कंपनी से सेवानिवृत्त वीरेंद्र कुमार सिंह का कहना है, हम परिवार के साथ कोलकाता अपने परिवार के यहाँ गए थे। अचानक अपने काम से रविवार की सुबह आए तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी में रखा करीब 8 से 10 लाख की चोरी कर ली गई है। सुबह जब हम आए तो देखे कि गेट का दरवाजा खुला हुआ है, बोल के जब अंदर आए तो देखे दोनों रूम का भी दरवाजा मेरा टूटा हुआ था, अलमारी तोड़ा हुआ था, आयरन चेक तोड़ा हुआ था और इसमें से ऑर्नामेंट सब पैसा निकाला हुआ था। आप लोग कहीं गए हुए थे? हाँ, हम 15 दिन से कर सकते। इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में कितने घरों में चल रही है? तीन घर, चार घर। वही ग्रामीण बैंक में कार्यरत पति पत्नी रवि कुमार और रूबी कुमारी का कहना है कि उनके करीब 4.5 लाख की कीमती जेवर और 50,000 रुपए चोरी कर लिए गए हैं। घटना तो मैं, हम लोग यहाँ थे नहीं रात में, हमारा एक फादर का मकान है वहाँ पर आरा गार्डन रोड में, वहीं थे। सुबह में यहाँ से पड़ोसियों का फोन गया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। उसके बाद हम आए, देखे कि ताला टूटा हुआ है, हमारे बगल का भी ताला टूटा हुआ है, हमारे सामने का भी टूटा हुआ है। तो सब लोग आए, हम लोग, हम घर में आए तो सारा सामान बिखेरा हुआ था। एक गोदरेज का अलमीरा था, स्टील अलमीरा था, तो उसका भी सारा सामान निकाल के बिखेरा हुआ था। चोर कैसे घर में घुसे, सीसीटीवी में कैद हो गया है। शनिवार की बीती रात के करीब 1 बजे तीन नकाबपोश चोर सबसे पहले सीढ़ी से होते हुए ऊपर जाकर जिस घर में आदमी रहते थे उस घर का कुंडी बाहर से लगा दिया ताकि अंदर घर से कोई भी बाहर नहीं निकल सके। बाकी जिस चार घर में ताला लगा था उसका ताला तोड़कर चोरों ने करीब 15 लाख का कीमती सामान और नगद राशि चोरी कर आराम से निकल गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय दानापुर थाना के सब इंस्पेक्टर घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। चार फ्लैट में चोरी हुई है और एक ही फ्लोर पे सारे हैं, वो लोग बंद कर गए। हम लोग सूचना प्राप्त होते ही हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जाके खुद मुआयना किए हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और आगे के भी टेक्निकल रूप से काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पता कर रहे हैं, आगे जो भी होगा हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक प्राथमिकी प्राप्त नहीं है, प्राथमिकी प्राप्त होने के बाद अंदर बता पाएंगे कितना चोरी के लक्ष्य होता है। साई इनक्लेव अपार्टमेंट में रहने वाले पूर्व मंत्री विक्रम सिंह, हरेंद्र प्रसाद, अमरजीत, नवल कुमार सिंह आदि का कहना है कि बिल्डर बिमल कुमार के कारण यहाँ किसी के घर में चोरी तो क्या, हत्या भी हो सकती है।
बिल्डर पैसे लेने के बाद भी स्थानीय अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। लोग घर खाली छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। अपार्टमेंट के चारों तरफ बाउंड्री तक नहीं किया गया है, कोई भी जैसे चाहे अंदर आ जा सकता है। यह सब प्रशासन और संबंधित विभाग की लापरवाही और बिल्डर से मिलीभगत के कारण ही हो पा रहा है।